Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Yesterday evening when I was calling you again and again, why were you not receiving my call? Oh sorry yaar, actually that time I was in bathroom and taking bath. Oh, it's okay. One day I saw you standing at the college campus. What were you doing there? What were you waiting for? Nothing yaar. I was waiting for my sister. She studied there in that college. Vivek, do you know, last Sunday when I went to your house, your younger brother was smoking. Oh really? Yes, yaar, you must tell him not to smoke. I will. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, अभी अभी जो आपने वीडियो देखा है उस वीडियो में ज़्यादातर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज इस्तेमाल किए गए हैं. फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आप लोग को इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी सिखा रहे हैं आपको, उसका इस्तेमाल हम किस वे में करते हैं और कन्वर्सेशन में हम बातें करते वक्त हम किस तरह से इंग्लिश सेंटेंसेज का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं ऑल फॉर्म्स द पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फिनिश हो चुका है, बट हम एक बार फिर से रिविजन करेंगे ऑल फॉर्म्स के साथ. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी टेंस खत्म होता है तो उसका हम ऑल फॉर्म्स का एक वीडियो बनाते हैं ताकि आपका एक बार फिर से रिविजन हो जाए. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट. हम शुरू से लेते हैं. वह स्कूल जा रहा था. तो आपको पता है ही के साथ वॉज लगता है. ही वॉज गोइंग टू स्कूल. नेगेटिव, वह स्कूल नहीं जा रहा था. तो ही वॉज नॉट Going to school. Interrogative. क्या वह स्कूल जा रहा था? तो was he going to school? इसका हम अगर interrogative में negative लेते हैं कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो हम short form में लिखते हैं wasn't he going to school? ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं. क्वेश्चन वर्ड, वह स्कूल क्यों जा रहा था? तो व्हाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चनर्स के सेंटेंसेस हैं. आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं, बस रिवीजन है. आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि रिवीजन क्लास सिर्फ उनके लिए होता है जो हर क्लास हमारा अटेंड कर रहे हैं. आपने इससे पहले वाले पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस के जितने भी वीडियो आपने देखा होगा, तब आपके लिए रिवीजन क्लास एक काम आएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लेते हैं इन्फिनिटिव के सेंटेंसेस. इन्फिनिटिव, मैं बुक खरीदने जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू बाय बुक. नेगेटिव, आई वॉज नॉट गोइंग टू बाई बुक. इंटरोगेटिव, क्या मैं बुक खरीदने जा रहा था? तो वॉज आई गोइंग टू बाई बुक. क्वेश्चन वर्ड, मैं बुक खरीदने कब जा रहा था? मैं
बुक खरीदने कब जा रहा था, तो व्हेन वॉज आई गोइंग टू बाय बुक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया स्टेप नंबर टू इन्फिनिटिव के सेंटेंसेस। इन्फिनिटिव में आपको पता है कि डबल वर्ब होता है, तो एक मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे जो लास्ट में वर्ब आता है जा रहा था। इसमें अगर होगा मैं जीतने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू विन, मतलब लास्ट में जो भी वर्ब आएगा जिसमें रहा था रहे थी आ रहा है, वो मेन वर्ब होगा, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, और जो दूसरा वर्ब है उससे पहले हम टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लेंगे डबल सेंटेंस वाला सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंसेज आते हैं, एक सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाते हैं और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, जब मेरे पिताजी आए तब मैं टीवी देख रहा था, जब मेरे पिताजी आए तब मैं टीवी देख रहा था। इसमें जब मेरे पिताजी आए, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, तब मैं टीवी देख रहा था, दिस इज द सेकंड सेंटेंस। दो सेंटेंसेस है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो पहला सेंटेंस है जब मेरे पिताजी आए वो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगा, और जो दूसरा सेंटेंस है ये ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस में आपको देख ही रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देंगे। और आप सेंटेंस बनाते वक्त इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि पहले कौन सा लिखेंगे, पहले ये लिखे कि पहले ये लिखे, आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे हम लेते हैं, व्हेन माय फादर केम आई वॉज वॉचिंग टीवी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माय फादर केम। ठीक है फ्रेंड्स, या तो पहले ये लिखो आप या पहले ये लिखो, कोई भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों में से दोनों ही सेंटेंस में से किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। जब वो मुझसे मिला मैं बाजार जा रहा था, तो व्हेन ही मेट मी आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं तुम्हारे घर आया तुम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नोट हो गया, तो व्हेन आई केम टू योर हाउस व्हाट वर यू डूइंग। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई केम टू योर हाउस, ऐसा बोलेंगे तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है हम उसको पहले बोल देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ऑल फॉर्म ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और सारा कन्फ्यूजन जितना भी होगा वो दूर हो गया होगा और रिविजन भी हो गया होगा आपका। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं फिर से आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर
हमारे कोई भी दोस्त नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।